बिहार के लाल ने समस्तीपुर में कर दिया कमाल। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन रेस्टोरेंट यहाँ पे है और किस तरह से घर में ही ट्रेन वाली रेस्टोरेंट खोलकर बैठ गया है। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेन वाली रेस्टोरेंट किस तरह से खाना लेकर किचन से आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मुंबई स्टेशन और नई दिल्ली स्टेशन, उसके बाद चेन्नई सेंट्रल, कोलकाता जंक्शन, उसके बाद पटना जंक्शन और समस्तीपुर जंक्शन भी यहाँ पे बनाई गई है। देख रहे हैं किस तरह से खाना के वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और जब ट्रेन से खाना आएगी फिर ये लोग पुनः खाएंगे। मैं आगे दिखाऊंगा आपको किस तरह से ये जो है ट्रेन की पटरी जो है डायरेक्ट जो है सो किचन से जुड़ी हुई है। देख रहे हैं वो सीधा किचन की तरफ जाती है और वहाँ से ट्रेन देख रहे हैं किस तरह आ रही है। ये ट्रेन जो है इसी तरह से खाना लेकर आती है और जिस टेबल पे, जिस जंक्शन पे आपको खाना लेना होता है वहाँ पे ट्रेन पहुँचा देती है। आपको पूरी तरह से ये फील होगी कि ये ट्रेन वाली जो रेस्टोरेंट है ये इस तरह से बनाई गई है कि लगेगा कि किसी जंक्शन पे हम खाना खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि एक ही छत पे आपको 6 शहर का मज़ा मिल जाएगी। सबसे पहला जो है समस्तीपुर है, उसके बाद पटना जंक्शन है, उसके बाद चेन्नई सेंट्रल है, उसके बाद कोलकाता है, उसके बाद मुंबई सेंट्रल है, और ये जो आप देख रहे हैं टेबल ये नई दिल्ली है। यहाँ पर देख रहे हैं न्यू दिल्ली की तस्वीर किस तरह है, और ये लोग न्यू दिल्ली में दो व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं और एक मुंबई सेंट्रल में उस साइड में है। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरह से जो छत पे ट्रेन रेस्टोरेंट खोल दिया गया है समस्तीपुर में, वो किस तरह से इन लोगों के मन में आया और इस तरह से रेस्टोरेंट जो खोले हैं इससे आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एक युवा है जो नई दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनसे और जानेंगे। जी, आदित्य नाम हुआ मेरा। इस रेस्टोरेंट में आप आए हुए हैं क्या खाने के लिए? अभी कुछ लेंगे, अभी शाम का समय है, कुछ अभी मौसम भी बारिश का मौसम है, कुछ पकौड़ा वकौड़ा खाएंगे। अच्छा। पनीर पकौड़ा खाएंगे। अच्छा, चाय पियेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे कम जो इस रेस्टोरेंट में खाना है वो कितने रेट का है? कम से कम 50 50 रुपया में। हाँ, 50 रुपया में। तो आप समझ सकते हैं इस ट्रेन वाली रेस्टोरेंट में अगर आप आने से डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं 1000, 2000, 5000 से यहाँ पे डिश स्टार्ट होगी, तो ये चीज माइंड से आप हटा दीजिएगा, क्योंकि मात्र 50 रुपया लेके आइएगा फिर भी इस ट्रेन रेस्टोरेंट में आकर आप इंजॉय कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ का जो डिश फेमस है वो कौन सी? यहाँ की डिश जैसे कि जो अगर स्टार्टर में ले तो बेबी कॉर्न क्रिस्पी हो गया, या मशरूम चिली हो गया, या फिर बहुत है, सबका अपना अपना पसंद होता है, जिनको जो पसंद होता है वो खाते हैं। अच्छा, कैसे मन में आया था इस ट्रेन रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको कि इस तरह से समस्तीपुर में खोला जाए अचानक? क्योंकि समस्तीपुर में ऐसा ट्रेन रेस्टोरेंट कोई है ही नहीं, ठीक है, और हमको लगता है कि जो ये पूरे बिहार में एक या दो होगा, और समस्तीपुर के लिए तो और नया ही है। जंक्शन पे यहाँ पे है मुंबई सेंट्रल है, समस्तीपुर है, कुछ लोग कोलकाता में भी बैठ के खाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोलकाता में क्या मछली? नहीं, मछली नहीं मिलता है। ऐसा नहीं, जंक्शन के हिसाब से खाना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो मेनू रखा हुआ है यहाँ, मेनू में आप जो ऑर्डर कीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। ये मेनू है सारा यहाँ पे, आप जो ऑर्डर कीजिएगा, ये मेनू के रोल मिलता है। जी। और ये बताइएगा न्यू दिल्ली में क्या है फेमस? न्यू दिल्ली में सब अपना अपना, जिनको हाँ मंगा सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं। सब टेबल पे देखिए एक मेनू यहाँ रखा हुआ है, एक मेनू उस टेबल पे है, ऐसी सारा में मेनू रखा हुआ है, उस मेनू में जितना डिश लिखा हुआ है सारा अवेलेबल मिलेगा आपको। चलिए, यहाँ पर और एक युवा है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। क्या खाने के लिए आए हैं? अभी तो स्टार्टर शुरू करेंगे, अभी तो आए ही है जस्ट, बारिश का मौसम है। न्यू दिल्ली अच्छा लगता है इसलिए बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि दिल लग गया है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ का जो फेमस डिश है वो कौन सी है? अभी तो हम नए आएंगे, अब खाएंगे, देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद। जी, पहली बार हम आए। देख रहे हैं आप किस तरह से इस ट्रेन रेस्टोरेंट को बनाई गई है जो समस्तीपुर में पड़ता है, और यहाँ पे किस तरह से जो कस्टमर है वो खाने के लिए आते हैं। इस ट्रेन रेस्टोरेंट को देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और मैं बता दूं आपको, जब आप इस ट्रेन रेस्टोरेंट में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि इस तरह का रेस्टोरेंट बहुत जगह नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन जिस तरह से समस्तीपुर के लाल ने बनाया है इस ट्रेन रेस्टोरेंट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और आप भी अगर वीडियो में देख रहे होंगे तो दिल करता होगा कि एक बार इस ट्रेन रेस्टोरेंट में आएँ
और यहाँ का जो खाना है वो खाएं। मैं और भी जगह जाके दिखाऊंगा और आप देखेंगे जो ट्रेन रेस्टोरेंट का जो देखने का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे जो ये समस्तीपुर जंक्शन है और उसके बाद पटना जंक्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। और इस साइड में आप देख रहे हैं जो बनाया गया है वो यहाँ पे चेन्नई सेंट्रल है और उसके बाद वहाँ पे कोलकाता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है सो यहाँ का नज़ारा देखने को लगता होगा। और इस साइड में जो खतरा है डेंजर वो भी है और यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चे ट्रेन एवं ट्रैक को न छुए, छूने पर बिजली का झटका लग सकता है। और इस तरह की चेतावनी आप हो सकता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से इस तरफ इस रेस्टोरेंट ट्रेन रेस्टोरेंट को बनाई गई है कि इससे साफ साफ आपको लगेगा कि हम किसी जंक्शन पर बैठ के खाना खा रहे हैं और ट्रेन जो है सो मेरा खाना वो सर्व कर रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह से ये ट्रेन रेस्टोरेंट समस्तीपुर में बनाई गई है वो कितना ज़्यादा मन को भाती है। और मैं आपको बता दूँ कि इस ट्रेन रेस्टोरेंट में आप मात्र 50 रुपया से भी खाना खा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत दी जाती है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और साथ इस ट्रेन रेस्टोरेंट का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे और वो भी इस ट्रेन रेस्टोरेंट में एक बार आए। तो अभी आप देख रहे थे समस्तीपुर से ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।